गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने शिवराज सरकार की मंत्री मीना सिंह पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। उमरिया कांड के बाद जीजीपी नेताओं ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को बिना शर्त रिहा करने की मांग भी की है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी तथा जिला स्तर के नेताओं के द्वारा उमरिया कांड के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कहा कि जीजीपी कार्यकर्ता उमरिया में अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री मीना सिंह के खिलाफ जांच की मांग कर रहे थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और महिलाओं तथा बच्चों पर पुलिस के द्वारा बर्बर लाठी चार्ज कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। पुलिस के इस रवैये की जीजीपी घोर निंदा करती है। पार्टी इस मामले की न्यायिक जांच के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना शर्त रिहा करने की मांग करती है कि जिन लोगों को अकारण जेल में बंद किया गया है उन्हें अविलंब रिहा किया जाए, उनके मुकदमे वापस लिए जाए और भ्रष्ट मंत्री जो करीब 400 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठी उसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। इसके लिए इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संघर्ष कई दिनों से चल रहा था, उस आंदोलन से घबरा कर पुलिस प्रशासन की सांठगांठ से हमारे मासूम बच्चों पर, महिलाओं पर और कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लाठी चार्ज किया गया है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिसने हमारे समाज को, आदिवासी समाज को और गोंडवाना के लोगों को कहा कि उग्रवादी की तरह बर्ताव करते हैं, तो उनकी ऐसी बयानबाजी से भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आदिवासी समाज आहत हुआ है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इन्हीं सब विषय को लेकर के आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन की कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। इसी कड़ी पे आज हम डिंडोरी में भी ज्ञापन दिए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।